हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके फ़ोन में ये जो इजी कट का एप्लीकेशन है ये यहाँ पे वर्क नहीं करता है, जब आप लोग यहाँ पे इसमें वीडियो वगैरह सेव कर रहे हैं तो यहाँ पे ये सेव भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे इजी कट एप्लीकेशन से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम आपको आता है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पे इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाके आप लोगों को यहाँ पे इजी कट का जो ऐप है उसको आप लोग यहाँ पे अपडेट कर लीजिए प्ले स्टोर में जाके। उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है, आप लोग यहाँ पे सेटिंग को ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है तो आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको मैनेज एप्लीकेशन में जाना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को सर्च बार दिखेगा, आप लोग यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इजी कट लिखना है तो आप लोग यहाँ पे इजी कट लिखिए और उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को स्टोरेज में जाना है और यहाँ पे आपको क्लियर डेटा पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्लियर ऑल डेटा कर देना है। तो जब आप यहाँ पे क्लियर ऑल डेटा करेंगे तो दोस्तों आपके फ़ोन में जो इजी कट एप्लीकेशन है उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा तो वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग सेटिंग कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऐप परमिशन पे जाना है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन परमिशन जो भी मांग रहा है उसको आप लोग यहाँ पे अलाउ कर लीजिए। जितने भी परमिशन मांग रहे हैं ना, सारे के सारे परमिशंस को आपको यहाँ पे अलाउ करना है। तो इस तरीके से आप लोग इसको जो है अलाउ कर सकते हैं दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पे आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।